अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक। और यहाँ पर चल रही है हमारी पार्टी, बारबेक्यू पार्टी और चाइनीज पार्टी। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अभी तक तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले घर के काम बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर बंदा तैयार होता है। तो आज हमारे घर पर दावत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं। मेहमान कौन है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी, और उसकी रेसिपी का जो लिंक है वो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से वहाँ से देख लेगा। और मीठे में मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार से मंगवा लूँ आइसक्रीम, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ये समझ लें अल्लाह का करम हुआ है कि थोड़ा सा पानी आया है, तकरीबन आधा घंटा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे घंटे में कितना पानी आया होगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन वगैरह धोए और किचन समेटा, सारा सफाई वगैरह की, उसके बाद फिर मैंने खाना चढ़ा दिया पकने के लिए, ताकि खाना रेडी हो जाए टाइम पर। और बाकी मैंने इमरान से कहा कि भाई अब मैं मीठा में कुछ भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि फिर से बर्तन आपको पता है ख़राब हो जाएंगे। तो आप बाज़ार से रेडीमेड कुछ ले आइएगा, या तो ये दूध लारी लेकर आएंगे, वरना आइसक्रीम तो डन है या नहीं इमरान जी? तो फिर या फिर आइसक्रीम आएगी। और यहाँ पर ये बिल्कुल निढाल लेटे हुए हैं, क्योंकि इनसे मैंने मंगवाया था पानी। ज़रा दिखाइएगा अपना चेहरा, दिखाएं। पानी की बोतल लेकर आए हैं और लाकर इन्होंने रखी है, और मैंने कहा है इसे कूलर में पलट दें, इन्होंने वापस से उठाई है और कूलर में जैसे ही पलटा बस इनकी कमर में चिक आ गई। कह रहे हैं कि मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं इतना सा कर सकती हूँ कि आपके लिए पेन किलर ले आती हूँ, ठीक है? आप वो खाएं, चाय बना कर देती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करें, आराम करें, और फिर जब तक मेहमान आएंगे तो फिर आप फ्रेश हो जाइएगा, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेगा, ठीक है? जब तक आप आराम करें जी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ गोश्त। तो किसकी दावत है? तो ये तो भाई एक सरप्राइज है, सरप्राइज है जी। तो मेहमान आएंगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे गोश्त धो दूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये है हमारा फ्रिज, ये एक मिठाई बच गई, बाकी तो सब खा गए हैं। ये है हमारे टमाटर रखे हुए हैं, और ये है कोल्ड ड्रिंक मेहमानों के लिए, जो आएंगे मेहमानों कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करेंगे। पानी का बहुत मसला हो रहा है ईद पे, और इस मंथ तो कुछ ज़्यादा ये गर्मियाँ आ गई हैं, तो पानी का बहुत मसाइल हैं। तो ये देखें, इरम ने सब पानी की बोतलें भर के रखी हुई हैं कि पानी ख़त्म ना हो। पर बन रही है इरम क्या? सिंधी बिरयानी। तो इरम तैयार कर रही हैं सिंधी बिरयानी जी, बिल्कुल। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बिरयानी तैयार कर रही हैं। आज है दावत गेस्ट की, तो कौन है, क्या, कहाँ से आ रहे हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे हम। अभी इरम बिरयानी तैयार कर ले, फिर आपको दिखाते हैं दस्तरखान पे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय रेडी हो गई है, चाय लेकर आई हूँ मैं इन साहब के लिए, क्योंकि इमरान के बहुत दर्द हो रहे हैं। दवाई इनको मैंने खिला दी है, मैंने कहा चाय पी लें और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, ठीक है इमरान? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी रेडी हो गई है, मिक्स कर लूँ। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब भी आ जाएं और बिरयानी खाएं हमारे साथ। और साथ में मैंने बनाया है यहाँ पर चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में है कोल्ड ड्रिंक। तो इमरान, मेहमान आने में सिर्फ कुछ ही देर रह गई है, आप जल्दी से पिज़्ज़ा लेकर आ जाएं, ठीक है? इमरान का बड़ा दिल कर रहा है स्पीकर चलाने का, फ़ोन के माइक में बोल बोल के गाने सिलेक्ट कर रहे हैं और अब ये चलाएंगे कोई अपनी पसंद का सॉन्ग। तो इमरान कौन सा सॉन्ग चला रहे हैं बता तो दें। अच्छा जी, ये देखें ज़रा इनकी पसंद का सॉन्ग तो देख लेंगे। ये है इनकी पसंद का सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक। हमारे हैदराबाद से गेस्ट आए जी, चले तो आए बैठे, तशरीफ रखें जी। तो आज मैं आपको मिलाती हूँ अपने बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर से, दो बच्चे आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमारा घर ढूंढते हुए बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मिलवाऊँ, तो चलें आप लोगों से
उनको मिलवाती हूँ। तो ये प्यारे से दो छोटे छोटे से बच्चे हमसे मिलना है, ये हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं। तो बेटा आप कब से हमारी वीडियो देख रहे हैं? दो साल से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और कैसी लगती है वीडियो? मज़ा आता है देखने में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और कामयाबी दे, आमीन। और हमसे मिलके कैसा लगा आपको? थैंक यू। अच्छा जी, तो आप लोगों को पता है कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम सब मिलकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं कल घूमने जाने का। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ये तो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और शायद ना भी जाएं, क्योंकि देखते हैं अल्लाह मालिक है, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे कल। अभी इमरान गए हैं गाड़ी की बात करने के लिए। टाइम इस वक्त बज रहे हैं पौने दो का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती। अगर गाड़ी बुक हो जाती है तो फिर कल सुबह इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों से मिलेंगे किसी अच्छे से पिकनिक पॉइंट पर। और हमसे मिलने दो हमारे सब्सक्राइबर आए, हमें इतनी हंसी आई। इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत ही प्यारे बच्चे थे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। और इस शर्ट पे वीडियो बनवाई उन्होंने कि हमारा फेस मिलेगा अब जी। तो हमने इस वजह से आप लोगों को उनका फेस नहीं दिखाया जी। रात के बज रहे हैं 3:15 और यहाँ पर चल रही है हमारी पार्टी, बारबेक्यू पार्टी और चाइनीज़ पार्टी। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब भी आ जाएं और हमारे साथ खाना खाएं, मतलब पार्टी इंजॉय कर लें। कल तक तो माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत रौनक थी, है ना इमरान? जी, क्योंकि मेहमान कल जा चुके हैं और हमने बहुत इंजॉय किया। इस ईद पर तो हमने बहुत मज़े किए माशाल्लाह से। जी, वैसे भी रमज़ान भी मेहमानों की तरह ही होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। बात है, बचपन में जब हम लोग बचपन छोटे थे ना, तो ईद आते थे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, कोई हमें ईद ही देता था। और उस टाइम जो है ना, यानी नोट होते थे, रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 के गड्डियाँ मिलती थी। अब वो तो खैर दोनों चली गई, अब बच्चों की ईद है। अब हम जैसे ही बड़े बड़े हो गए, अब बच्चों वाले चारी बातें बच्चे रहे नहीं, तो बच्चों जैसी ईद जो है ना, बच्चों की ईद है। अब हमारी तो बस ये होता है कि हम दे रहे होते हैं, बस किसी का एक से मिल जाती है ईद हमारे। लेकिन बस एक खुशी होती है, ईद आती है, लेकिन जो है बेताशा में खुशी होती थी ना, ईद आती थी। और इस दफ़ा इमरान के जो बाल है ना, मुझे बिल्कुल भी इनकी कटिंग पसंद नहीं आई है। और ना मेरे बाल की कटिंग अच्छी हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई हुई, बिल्कुल सीधे बच्चों की तरह बाल पड़े हुए हैं, और जो मुझे बहुत ही बुरे लग रहे हैं। मैं तो भाई फौजी कटिंग करवाता हूँ, जब मेरे बाल जैसे फौजी कटिंग करते थे ना, मैं वैसे ही आके करवाता हूँ, मुझे ये बड़े बड़े बाल पसंद नहीं है। मेकअप कह रही हूँ, बड़े बड़े बाल रखे, लेकिन उससे ये फौजी कटिंग के लाते आगे से ज़्यादा कटवा लिया करें आप, तो आगे से भी कटवा लूँगा अपनी खड़ा करके। हाँ, बस मैं जो है ना अपनी फौजी कटिंग करवाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स आप कमेंट करके बताएगा मेरी कटिंग आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? हमको तो बड़ा बुरा लग रही है। हाँ, तो आप और आप सबकी कैसी गुजरी जी? आप लोग भी अपनी ईद हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कैसी गुजरी और क्या क्या किया आप लोगों ने। ईद के बाद जो छुट्टियाँ रह जाती हैं, आप जैसे है ना, आज हफ्ते का दिन है और जो है ना बोरियत सी हो रही है थोड़ी, जैसे तो ईद चली गई है, अब काम का टाइम शुरू हो गया ना, तो मुझे लग रहा है छुट्टियाँ खत्म हो रही है और काम की तरफ जा रहे हैं ना, तो बड़ा वो गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ भी ज़रा ज़्यादा दी थी, अब जो है ना काम की तरफ जाने जाने लग रहे हैं। तो बस और ईद भी चली गई है, जैसे ईद का इंतजार था, अब देखेंगे फिर बकरीद की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, तो इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।